जी की फतेह सत संगत जी। मैं थोड़े न दो लफ्ज सिर्फ थोड़े इतने आने बारे तो इस ये जो रैली आपां कीती है इसका की फायदा है सानू कि इहदा प्रभाव भरे पवेगा साडी पंजाब दी मूवमेंट दे उत्ते। देखो इहदे च दो तीन आस्पैक्ट ने जो बापू सूर सिंह उन्होंने पिछले 126-127 दिनों तो भुख हड़ताल की है ये दो तीन एक्सपीरियंस ने जिहड़े साडे ऑलरेडी हो चुके ने पहला कि भुख हड़ताल रखी जाती आ बंदी सिंघां नूं जो छडाउण दा जो लारावा लाया जाता तो किसी ना किसी बहाने पोलिटिकली गेम खेड के उस हड़ताल समाप्त कर दिता जाता लोगों के जोड़े इमोशनस ने फिर दब दते जाते पर इस बार कोई ना कोई वर्तारा वा जो वक्रा हो जा रहा वा ये ये पिछे एक बहुत वही गल है मनोबल की बापू सूर सिंह जी खालसा उन्होंने उन्होंने पिछोकड़ 1984 तो लैके गिरफ्तारियाँ सारे तशद्द के थ्रू होंगे हुए एक दूसरी गल बच्चे आ जाती है अरदास की जिसका बहुत ही वड्डी ठेस पहुंची सिख संगतां नूं भी अरदास करके उस तो पिछे हटना ये एक सिख का धर्म ही है। सो दो तीन फर्ज ने जो बापू सूर सिंह जी मैं बड़े माण नाल कह सकदा जिहड़े पालन जा रहे हैं। पहला तो यह कि इस यहोजे मटीरियल जमाने के बापू सूर सिंह उन्होंने इतने अमेरिका वर्गे खूबसूरत कंट्री दियां सारियां सुख सुविधावां छड्ड के उत्थे जाके भुख हड़ताल रखी तो उस अरदास नूं आपदे आखिरी साह तक पूरा करन जा रहे हैं। ये असीं हुण दावे नाल कह सकते हैं वी कैन सी दैट असीं ये देख सकते हैं। इस तो बिना एक होर बहुत वड्डी गल आ जो बापू सूर सिंह उन्हीं करन जा रहे हैं जिहड़ी मैं सोचदा कि हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है जां सेंटर गवर्नमेंट है सरकार है जो पिछलियां हड़तालां जां पिछले एजीटेशन बापू सूर सिंह उन्हां तों पहलां जो होए भाई गुरबख्श सिंह उन्हां दा होया भाई बलवंत सिंह राजू उन्हां वेले बहुत वड्डी लहर उठी तो उस तो बाद भाई दविंद्रपाल सिंह भुदना की फांसी माफ़ी वेले बहुत वड्डी लहर उठी इन्हां सारियां दे विच किसी ना किसी तरीके जो सरकार आ किसी ना किसी तरीके अपने मोल अपने जो एजेंट ने विच पा के इन्हों साडियां लहरां नूं साडियां इन्हों जो साडे एजुकेशन ने साडे जो ये चलते ने भुख हड़ताल इन्हों किसी ना किसी तरीके सप्रैस कर जाते रहते एक इहोजा सानू सिख कौम नूं एक इहोजा मैं माण कहांगा बापू सूर सिंह खालसा सानू बख्शन जा रहे ने इह सारियां कुटल नीतियां सारिया चालां सारे धोखे सारिया दगेबाजियां सारे मिठे लारियां नूं तोड़ के नगार के बापू सूर सिंह जी खालसा विच दी लंघ जाण लगे हन ये असीं सारे खुद देख रहे हाँ। उस तो बिना तुहानू सारिया नूं मैं ये गल जरूर कहांगा असीं इत्थे अमेरिका कनेडा यूके दे विच असीं जे 10 बंदे इकट्ठे हुंदे आ तां सानू देख के पंजाब दे विच 100 इकट्ठा हो जांदा जिस तरह तुसीं पिछले दिनां विच वेख्या इहो मोर्चे नूं कोई न्यूज़पेपर कवर नहीं सी कर रहा कोई टीवी मीडिया जां पंजाब दे लोकां वल्लों भी बहुत ज़्यादा घट समर्थन मिल रहा सी। पिछले दो वीकां दे विच इत्थे सोशल मीडिया से बाहरले सिखां ने रोल निभाया अरदासां कीतियां बर्मिंघम दे विच मुजाहरा किया गया जर्मन दे विच पिछले दिन मुजाहरा होया तो पिछले वीक उत्थे कोई 12-15 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया ये विच बहुत वड्डा योगदान साडा इन्ने बिजी स्कैजुअल फ्राइडे वर्गे दिन ते छड्ड के इत्थे आ जाणा इत्थे खड़न नाल ये साडा बहुत वड्डा काम हो जाता है। सो मैं सारिआं नूं ये कहांगा भी साडी कौम एक वहाव वल तुर रही है एक वक्रा वहाव आ जो साडी कौम नूं दित्ता है बापू सूर सिंह खालसा जी उन्होंने तुसीं सारिआं ने आ के उस वहाव नूं एक होर धक्का लाया है तो सानू देख के मैं मानता पंजाब के लोग होर दूसरे कंट्रियों के योजे इकट्ठ हो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करे सिख कौम जिसने इस दूसरा धर्म युद्ध मोर्चे का नाम दिता है बापू सूर सिंह होनी तो उन्होंने नाल के जो उन्होंने साथी ने उ जो मोर्चे उन्होंने नाल बैठे ने वाहगुरु सच्चे पातशाह चढ़दियाँ कलावान बख्शे साड़ी कौम एक कोई नवा करवट लवेगी इन्होंने लफ्जा सारे का फिर धन्यवाद करदा वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह।